गढ़चिरौली में आज जो घड़ा मोड़ हुई है, माओवादियों की एक बड़ी लीडरशिप है, गिरधर की एक मानी जाती है, और आज गिरधर ने उसकी पत्नी के साथ आपके सामने सरेंडर किया है, इसको किस नजर से देखते हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ी सफलता पुलिस को और प्रशासन को सरकार को माओवाद के खिलाफ मिली है, क्योंकि गढ़चिरौली में माओवाद की रीढ़ की हड्डी जिसको माना जाता था, ऐसे गिरधर और उनकी पत्नी, ये दोनों माओवादियों ने आज मेरे समक्ष आत्मसमर्पण किया है। गिरधर के ऊपर 25 लाख का इनाम था, उनकी पत्नी के ऊपर 16 लाख का इनाम था, और पूरे तरीके से गढ़चिरौली के माओवादी गतिविधियों के प्रमुख के रूप में उनको देखा जाता था। एक बड़ा लंबा अरसा इस माओवाद में उन्होंने यहाँ पर गुजारा है, और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके आत्मसमर्पण के कारण माओवाद के रीढ़ की हड्डी को एक प्रकार से तोड़ने का काम हमारी पुलिस ने बहुत सफलता के साथ किया है। आज गढ़चिरौली में हम देख सकते हैं कि हमारी जो C60 है उसने ये परिस्थिति निर्माण की है कि माओवादियों को या तो आत्मसमर्पण करना पड़ेगा या फिर परिणामों को भुगतना पड़ेगा, और पिछले 4 सालों में एक भी व्यक्ति गढ़चिरौली से माओवादी इस एक्टिविटी में सम्मिलित नहीं हुआ है। अब उनकी कोई भर्ती यहाँ पर नहीं होती है, और विशेष रूप से केवल पुलिसिंग नहीं तो सोशल आउटरीच भी, जो सरकार की योजना है उसको भी सुदूर क्षेत्रों में ले जाने का काम ये हमारे पुलिस के माध्यम से हुआ है। और हमने भी शासन के तौर पर गढ़चिरौली जिला, जिसको महाराष्ट्र का अंतिम छोर माना जाता था, अविकसित माना जाता था, हमने नजरिया बदला है। हमने कहा ये अंतिम छोर नहीं है, ये महाराष्ट्र के का पहला जिला है, ये महाराष्ट्र की शुरुआत यहाँ से होती है, और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर हम लोगों ने बदलाव लाने का प्रयास किया है। रास्ते हो, पुलिया हो, कम्युनिकेशन हो, इंडस्ट्री हो, ये सारी चीजें हम यहाँ करने का प्रयास कर रहे हैं।